तो आप सभी ने एंड गेम मूवी तो बहुत बार देखी होगी, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि इस मूवी को बनाने में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी और आखिर मूवी से कितना प्रॉफिट हुआ और किस एक्टर ने कितना चार्ज किया था अपना रोल प्ले करने में? तो आज की इस वीडियो में आपको यही सब बताने वाला हूं। तो आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट नंबर वन, एंड गेम मूवी बनने में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई थी। तो देखो, हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी भी मूवी की बात करें तो उनमें इन्वेस्टमेंट भी हाई होती है और प्रॉफिट भी बहुत ही ज्यादा हाई होता है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एंड गेम मूवी की। तो गूगल के अनुसार एंड गेम मूवी की टोटल कॉस्ट आई थी 35.6 करोड़ US डॉलर। तो देखो, अब काफी लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि जो फेमस एक्टर थे उन्होंने इस मूवी में कितना चार्ज किया था, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका और थॉर। तो ये सब भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात करते हैं इस मूवी की वन डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो इस मूवी का वन डे का कलेक्शन अराउंड $103 मिलियन के समथिंग था और इसकी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अराउंड $2.799 बिलियन थी। नंबर थ्री, आखिर इस मूवी में किस एक्टर ने कितना चार्ज किया था? तो पहले बात करते हैं हमारे आयरन मैन भैया की। तो आयरन मैन का रोल प्ले करते हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर और इन्होंने एंड गेम मूवी में अराउंड $75 मिलियन चार्ज किया था। और अब बात करते हैं कैप्टन अमेरिका की। तो कैप्टन अमेरिका ने इस मूवी में 15 से 20 मिलियन US डॉलर के अराउंड चार्ज किया था और थॉर ने भी लगभग सेम ही 15 से 20 मिलियन US डॉलर चार्ज किए थे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।